रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद असलम, आप देख रहे हैं जी फार गुजरांवाला। जी बिल्कुल, आज चौधरी वजाहत जो पेश हुए थे इंसदाद दस्तगर्दी की अदालत में, और पहले उनकी जो बुरी ज़मानतें थी उसमें तो सीखी गई, लेकिन आज उनकी ज़मानत जो है 5 लाख मुचलकों के इवज़ जो है ये कन्फर्म कर दी गई है। इसकी थोड़ी सी हम आपको बैकग्राउंड कराएँगे। 16 जनवरी को ये 2023 को एक मुकदमा दर्ज हुआ था थाना ककराली में, उसमें जो हैं आबद कोटला के जो बंदे थे उनमें से 100 से 150 के जो नामलूम थे और कुछ जो नामजद किए गए थे, तो दूसरी तरफ जो चौधरी वजाहत ग्रुप के थे उनमें से जो 15 से 20 लोग थे नामलूम थे और कुछ जो नामजद किए गए थे। तो इसी हवाले से पहले जो चौधरी मूसा अलाई की जो है जमानत कन्फर्म हुई थी, तो आज जो है ये जमानत चौधरी वजाहत की जो 5 लाख मुचलवे के इवज जो है इंसाफ दस्तगर्दी की खसूसी अदालत के फाजिल जज ने जो मंजूर की गई है। तो चौधरी वजाहत जो सुबह आए थे उस हवाले से जब ना उनको जो है 12:30 बजे का टाइम दिया गया था, 12:30 बजे जब वो अदालत में पेश हुए, थोड़ी ही देर वो बाहर निकले तो उनके जो वकील हैं उन्होंने भी ये बताया कि ये जो तमाम ट्रैक्टर से इस्तेमाल किए जा गए हैं, ये उन चौधरी वजाहत ने भी खुद बताया कि ये सियासी प्रेशर के लिए ये मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, इस तरह के कोई मुकदमे नहीं थे, लेकिन पुलिस जो है उसी के जो नई हुकूमत आई है उसके अंडर काम कर रही है, जिस तरह वो कहते हैं उसी तरह हो रहा है। इसी हवाले से हम पर जो सियासी मुकदमे जो हैं वो दर्ज किए जा रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि आज हमें जो इंसाफ दस्तगर्दी की खसूसी अदालत से 5 लाख के मुचलके जो जमा कराने की इवज जो है जमानत जो है आज कन्फर्म हुई है। जी